Hey guys, welcome back to another video. तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप जो है GKM एप्लीकेशन में वाइड एंगल्स कैमरा या फिर हो थर्ड कैमरा लेंस को कैसे इनेबल कर सकते हो, क्या माइक्रो कैमरा इसमें जो है इनेबल हो पाएगा, अगर हो पाएगा तो कैसे हो पाएगा और उसकी सेटिंग्स क्या क्या है। दोस्तों मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद बस इतना ही है क्योंकि कल मैंने एक वीडियो डाला था GKM को आप कैसे इंस्टॉल करो लेटेस्ट वर्जन को, उसमें जो है क्या क्या सेटिंग्स करने पड़ेंगे। तो वो मैंने जैसे वीडियो डाला था तो उसके नीचे कमेंट्स आया ढेरों सारा कि भाई जो इसका जो थर्ड लेंस है उसे कैसे इनेबल करें, इसमें वाइड एंगल जो है उसे कैसे इनेबल करें। तो उसके लिए जो है मैं इस वीडियो को ला रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों की ये परेशानी थी और मुझे भी लगा नहीं भाई इसको भी बताना चाहिए, और मैंने कल बोला भी था वीडियो में कि भाई अगर उसको बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए एक सेपरेट वीडियो मैं इसमें बना रहा हूँ। और बात करूँ कमेंट्स की यार, तो आप लोग कमेंट्स करो यार, लाइक करो, क्योंकि आपके कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ और जितना पॉसिबल हो सके मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ और जितनी भी परेशानी हो सबको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। सो कमेंट करो यार, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ, आज हम लोग बात करेंगे GKM के बारे में। तो दोस्तों GKM की बात कर लेते हैं, तो मैं अगर आपको देखना है वो वीडियो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप GKM को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो और उसके डिस्क्रिप्शन में आपको GKM का लिंक भी है और सब चीज़ दिया हुआ है, आपको कैसे इंस्टॉल करना है, क्या क्या सेटिंग चेंजेस करना है, तो उस वीडियो को पूरा देख लो आपको समझ में आ जाएगा। और तो आज जो चलते हैं सीधे चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि वाइड एंगल्स कैमरा अगर आप चालू करना चाहते हो तो आपको कैसे चालू करना होगा, और सिर्फ चालू करने से नहीं होता है, उसमें चालू करने के बाद उसके वाइड बैलेंस इस सबको भी मैनेज करना पड़ता है, तो आप कैसे जो है मैनेज करोगे। तो चलिए उसको मेरे डायरेक्ट मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि आप कैसे इसमें अल्ट्रा वाइड लेंस को जो है इनेबल कर सकती हो और उसमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे कि पिक्चर जो है काफ़ी अच्छी आए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे इस फ़ोन में अल्ट्रा वाइड और वाइड लेंस दोनों जो है अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, चाहे आपका प्राइमरी लेंस हो चाहे अल्ट्रा वाइड लेंस हो। और जो है इसमें और क्या क्या लेंस ऐड कर सकते हैं नहीं ऐड कर सकते हैं तो मैं बताऊंगा पूरा इसी वीडियो में, तो इसको देखते रहिएगा। तो चलती है, सबसे पहले आप जैसे ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे ये सब सिंबल देखने को नहीं मिलेगा। आप जब नया नया जो ओपन करोगे, कल मैंने बताया था कि आपको क्या क्या जो है सेटिंग्स करने पड़ते हैं, तो कल जो बताया था मैंने लास्ट वीडियो में वैसा सेटिंग्स कर लेना। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आना है सेटिंग में। अगर आपको अल्ट्रा वाइड लेंस को अपना जो है अल्ट्रा वाइड लेंस को जो है इनेबल करना है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस का कम कर लेता हूँ जो है जी। आपको क्या करना है कि यहाँ पे सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद सीधे आपको नीचे की ओर जाना है, जहाँ पे आपको एडवांस वाले सेटिंग में जाना है। और वहाँ से जैसे आप नीचे की ओर स्वाइप करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा ऑक्सिलरी कैमरा करके, तो आपको ऑक्सिलरी कैमरा पे जाना है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों कि यहाँ पे आपको जो है सबसे ऊपर वाले को ऑफ रखना है और फर्स्ट लेंस जो है उसको ऑन रखना है, उसके बाद जो थर्ड लेंस है उसे जो है ऑन रखना है। जी हाँ दोस्तों, थर्ड लेंस और फर्स्ट लेंस को ही ऑन रखना है, ना ही सेकेंड लेंस को ऑन करना है, ना ही फोर्थ लेंस को, ना ही ये आपको फिफ्थ लेंस को, क्योंकि आपको बता दें कि इसमें जो है GKM में अभी भी जो है स्टेबल ये नहीं है। इसमें से जो है दो लेंस अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। आप जो तीसरा लेंस स्टार्ट करोगे वो टेलीफोटो लेंस है। अगर आपके फ़ोन में टेलीफोटो लेंस है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मेरे मोबाइल में टेलीफोटो लेंस, ये जो डेप्थ सेंस है ना, डेप्थ सेंसर है, जो डेप्थ कैमरा है वो वाला इनेबल होता है। जी दोस्तों, वो वाला सेंसर इसमें इनेबल होता है। अगर मैंने इसे जो सेकेंड लेंस इसका मैं अगर जो है इसको इनेबल करूँ, इस वाले सेकेंड लेंस को अगर मैं इनेबल करता हूँ तो मेरा जो है डेप्थ वाला जो है कैमरा वो इनेबल हो जाता है। तो उस कैमरे को ओपन करके कोई फायदा नहीं है कि मैक्सिमम जो होता है वो आपका फर्स्ट लेंस और थर्ड लेंस ही काम कर देता है। अब बात करते हैं मैक्रो की, तो यहाँ पे मैक्रो जो है इनेबल नहीं होता है। मैक्रो कैमरा को आप अगर इस पांचों को इनेबल कर दोगे तो एक में सेल्फी आता है 5 में, और उसकी बात कर लेते हैं सेकेंड में आपका जो है डेप्थ वाला वो आएगा, थर्ड में आपको अल्ट्रा वाइड आएगा, इसमें जो है प्राइमरी कैमरा आएगा, और फोर्थ वाला जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा मैक्रो कैमरा। लेकिन जैसे आप फोर्थ वाला को करोगे कैमरा क्रैश हो जाता है, तो ये फोर्थ वाला जो है वर्क नहीं करता है। मैंने बहुत सारी एप्लीकेशन है, एक ही डेवलपर का मैंने यूज नहीं किया, मैंने बहुत सारे डेवलपर का जो है ये एपीके फाइल डाउनलोड करके मैंने सब में यूज करके देखा, तो किसी में जो है जल्दी इनेबल नहीं होता है, किसी में होता ही नहीं है। या दोस्तों किसी भी जो है एप्लीकेशन में जो है मॉडर्न एप्लीकेशन में अभी तक ये जो है डेप्थ ये वाला माइक्रो वाला मैक्रो वाला अभी तक इनेबल नहीं हो पा रहा है। तो आपको बस यहां से फर्स्ट लेंस और थर्ड लेंस को ही इनेबल करना है। तो जी हाँ दोस्तों, ये दोनों को इनेबल करने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ इसको इनेबल करने से आपका चालू तो हो जाएगा लेकिन पिक्चर्स जो है नहीं आएगी, वो धुंधली आएगी। तो उसको क्लियर करने के लिए आपको यहीं से फिर जाना है यहाँ पे डिवाइस मॉडल में। जैसे आप डिवाइस मॉडल में जाते हो तो आपको नीचे में यहाँ पे जो है नॉइज मॉडलर
नॉइज मॉड्यूलर करके एक सेक्शन दिखेगा जहां पे ऑक्सिलरी कैमरा जो है इसके इसको ऑन कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इसको ऑन कर दीजिएगा। अगर आप ऑन नहीं करते हो तो वो धुंधली पिक्चर क्लिक करेगी। और बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑक्सिलरी कैमरा की इस सेटिंग की, तो यहाँ पे भी 4A करके आप रख लेना, क्योंकि ये 4A HDR प्लस में 4A सेक्शन वाला में अच्छा काम करता है। अब बात कर लेते हैं AWB की, ऑटो वाइड बैलेंस की। तो आपको यहाँ से ऑटो वाइड बैलेंस में थर्ड लेंस यानी अल्ट्रा वाइड कैमरा को गूगल पिक्सल 3A सेलेक्ट करना है। जी हाँ दोस्तों, गूगल पिक्सल 3A को आपको सेलेक्ट करना है, तभी आपका जो है ये अल्ट्रा वाइड वाला कैमरा जो है अच्छी तरीके से वर्क करेगा और आप यहाँ से अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो। और उसके बाद आपको अल्ट्रा वाइड में अगर और भी थोड़ी सी पिक्चर्स वहाँ पे देखने को मिलेगा, थोड़ा सा फेडेड टाइप का पिक्चर आपको अगर उसमें थोड़ा सा और भी जो है सेचुरेशन थोड़ा सा सेचुरेटेड दिखाना है, तो आपको बस यहाँ से जाना होगा। यहाँ से आपको जैसे सेटिंग्स में है तो आपको जैसे सेटिंग खुलेगा, सबसे पहले आप यहाँ से देख लीजिए, सेटिंग खोल लीजिएगा और यहाँ से आपको नीचे जाना है। यहाँ पे लिप पैचर करके एक दिखेगा ऑप्शन, वहाँ में यूज़ रीस्टार्ट पे इसको इनेबल करके उसके बाद थर्ड लेंस पे जैसे आप क्लिक करोगे, उसके बाद लिप पैचर जो है यहाँ से लिप पैचर वो हो जाएगा इनेबल, आपको ऑन करना है। यहाँ से ऑन करने के बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ से सेचुरेशन को आपको 2 पे रखना है। जी दोस्तों, 2 पे रखना है। जैसे आप सेचुरेशन को 2 पे रखोगे तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग पिक्चर्स क्लिक करता है, क्योंकि 2 पे रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा सेचुरेटेड लगता है, नहीं भाई पिक्चर को ज़्यादा सेचुरेट हो गया तो थोड़ा सा कम कर देना, तो ये 1 जो है उसका डिफॉल्ट वैल्यू है। अगर आपको उसमें पिक्चर अच्छा नहीं लग रहा तो आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो। तो आप ये सब करने के बाद जो है यहाँ से बहुत अच्छी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो, चाहे वो वाइड लेंस से हो गया पिक्चर क्लिक कर लो, चाहे वो अल्ट्रा वाइड लेंस पे हो गया तो वाइड लेंस पे हो गया, चाहे अल्ट्रा वाइड पर लेंस पे हो गया तो वाइड लेंस पे पिक्चर क्लिक हो गया, उसके बाद अल्ट्रा वाइड लेंस पे भी पिक्चर क्लिक हो गया। या दोस्तों, आप चाहे तो किसी भी इसमें पिक्चर क्लिक जो है कर सकते हो, अच्छी तरीके से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या दोस्तों, डिटेल्स भी काफ़ी अच्छी आती है, तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, आप इसके इनेबल कर सकते हो। अब बात आती है एक भाई की, तो भाई यहाँ पे बोले कॉन्फ़िग फाइल को कैसे इसमें इनेबल करें, तो आप यहाँ पर डबल टैप करके इस कॉन्फ़िग फाइल को रीस्टोर कर सकते हो। जी दोस्तों, मैंने भी डाउनलोड करके रखा है लेकिन मैंने रीस्टोर नहीं किया और मैं करूँगा भी नहीं, क्योंकि मेरे जो सेटिंग्स मैंने बताया है सिर्फ उतना सेटिंग्स कर लेना तो आपके डिवाइस के लिए बढ़िया है। ये जो है कॉन्फ़िग फाइल जो है सब डिवाइस के लिए नहीं है। अगर आप सब डिवाइस के यहाँ पर दबा करके रिस्टोर कर लेते हो तो वो जो है सब डिवाइस के लिए तो इनेबल नहीं होता है, मतलब अच्छी तरीके से वर्क नहीं करता है। कहना यही कि सही डिवाइस सभी डिवाइस में वो सपोर्टेड पर नहीं है, सपोर्टेड नहीं करता सही से, और जो है आपकी पिक्चर्स जो है उसको ख़राब कर देता है। तो इसलिए मैं जो सेटिंग्स बता रहा हूँ वो सेटिंग्स आप जो है इनेबल कर लेना। और मेरी अगर आपको सेटिंग्स पूरा देखना है तो मेरी लास्ट वीडियो को देखो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से उस वीडियो को देखो। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने बताया कि कौन कौन सेटिंग्स को आपको इनेबल करना है और कॉन्फ़िग फाइल जो है उसको डाउनलोड करने से आपको बढ़िया सा रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो आप जो है डायरेक्ट ये करके सेटिंग करके आप जो है अपने से यूज़ कर सकते हो, वो काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देगा। तो ये थी आज की वीडियो में। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ लाइक कर देना, और थोड़ा सा भी आपको अगर जानकारी मिली होगी तो यार प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।